अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपने देखा है, आज हम बात करेंगे वो कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि जिन पे हम अमल करके रिंगनेक से ब्रीड ले सकते हैं, या रिंगनेक उन पॉइंट्स को फॉलो करने पे हमें वो ब्रीड देता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, एंड ये भी बताऊंगा कि आपका एक पेयर साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करता है, अगर आप उसकी जो है ना अच्छे से केयर करते हैं, उनकी डाइट हर चीज़ के हवाले से। आज सारा कुछ इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। एंड सेकेंड थिंग कि मेरा एक गेमिंग चैनल है RDAYT के नेम से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है ना लिंक मिल जाएगा। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा बंदा जिसने अपने पास ये रिंग नेक या अलेक्जेंड्राइन वगैरह रखे हुए हैं ना, उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि यार हमारे पास वैसे तो बर्ड है, हमारा शौक पूरा हो रहा है, लेकिन इससे हट के ना वो हमारे पास ब्रीड भी करे। तो ये मैं मानता हूँ कि ऐसे बंदे के लिए ब्रीड आना बहुत ही बड़ी खुशी है कि जो ब्रीड का बहुत ज़्यादा शौकीन हो। तो इसी में ना आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जो पॉइंट्स आपके बर्ड्स के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं ब्रीड करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि रिंग नेक का सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है अक्टूबर से ले कर मई तक, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होता है एंड मई के एंड तक रहता है। इसके बाद नहीं ली जा सकती ब्रीड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बर्ड अगर ब्रीड कर भी जाए तो उसमें अंडे वगैरह ख़राब होने के खतरे होते हैं। इसके बाद अक्टूबर में आपका ब्रीडिंग सीज़न ऑन होता है, लेकिन ऐसे इलाके जिनमें आजकल भी ज़्यादा गर्मी है वो बंदे थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे थोड़ा सीज़न ठंडा होगा देन आप बॉक्सेस वगैरह लगा देना एंड आपके पास इंशाल्लाह से ब्रीड आ जाएगी। अब ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इसका सीज़न कब स्टार्ट होता है एंड कब ब्रीड लेनी चाहिए इनसे। अब सेकंड होता है कि जिनके पेयर नहीं बने हुए उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पेयर नहीं बना हुआ, इससे आपको कैसे पता चलेगा आपका पेयर बना है कि नहीं। आपका पेयर बहुत ज़्यादा लड़ेगा, आपका पेयर फूड एक्सचेंज नहीं करेगा, आपका पेयर एक दूसरे के साथ बैठ के सीड जो है ना नहीं खाएंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आपका पेयर नहीं बना होगा। अगर नहीं बना ना, तो आपने सिंपली अपने मेल फीमेल को अलहदा कर देना है कोई एक से दो वीक के लिए, उनमें अट्रैक्शन थोड़ी सी बढ़ेगी, उसके बाद आप उन दोनों को इकट्ठा कर देना, लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी एंड आपका पेयरिंग के लिए भी पेयर जो है ना सेट हो जाएगा। एंड जो है ना थर्ड चीज़ वो ये है कि आपके बर्ड को ब्रीड करने के लिए ना जो मेन चीज़ होती है पेयरिंग के बाद वो होती है डाइट। इसके बाद एक और मेन चीज़ भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके बाद होती है डाइट की, कि आप उनको प्रॉपर टाइम पे इनका जो खाना है, जो फूड है, जो सॉफ्ट फूड है, दाना सीड मिक्स जो भी है, उनको उनके टाइम पे दें। अब मैं बताऊँ आपके लिए बेहतरीन कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर आप शौकीन हैं ना ब्रीड के और आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी ब्रीड है, तो आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें। परिंदे क्योंकि हमारी तरह नहीं होते, वो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं ना, देन हमसे भी पहले कुछ देर पहले ये उठ जाते हैं, क्योंकि इनकी फितरत में है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने लिहाज से ब्रीड को ना रखें, बल्कि उनके लिहाज से रखें। आप अपना टाइम टेबल चेंज करें। अगर आपने ब्रीड लेनी है तो सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, ठीक है। नमाज़ के बाद आप इनको इनका खाना वगैरह दें, जो भी है सीड मिक्स देना, तब आप इनको सॉफ्ट फूड देना, तब जो भी यूज़ करवा रहे हैं, जो भी मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, जो भी ब्रीड के लिए ज़रूरी चीज़ है, एक टाइम टेबल सेट कर लें, जिससे आपका बर्ड जो है ना एक प्रॉपर टाइम पे मतलब सेट हो जाए कि इस टाइम पे हमें ये मिलेगा, इस टाइम पे ये मिलेगा, ताकि वो अपनी ब्रीडिंग के लिए भी थोड़ा बहुत ना कंफर्टेबल फील करे। अब जो फोर्थ चीज़ है वो है इनकी प्राइवेसी। तो प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है रिंग नेक एंड रा के अंदर, क्योंकि ये मतलब आम बर्ड्स हैं, लेकिन इनमें ब्रीड लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी के लिए आप कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी का आना जाना ना हो, लाइक छत के ऊपर कोई हिसाब लगा लें जहाँ पे बिल्ली वगैरह भी ना आए। आप वहाँ पे इनकी कलोनी बना लें, केजेस बना लें, रूम बना लें, रूम बना के उसके अंदर कोई केज रख दें, ताकि इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। सुबह जाएं, इनको खाना वगैरह डालें इनका, एंड दैट्स इट, आपने वापस आ जाना है।
अब इसके बाद एक और जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि दानिश भाई हमारा पेयर बना हुआ है, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन भी आ गया, बॉक्स भी लगा दिया, पेयर एक दफ़ा पहले ब्रीड कर चुका है लेकिन अब वो ब्रीड नहीं करता, अब उसका क्या मसला है। तो इसमें दोस्तों ये आपका फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट होगा आपका, ठीक है। तो आपने इसके अंदर ना अपने ब्रीड को ब्रीडिंग फार्मूला भी यूज़ करवाना है। ब्रीडिंग फार्मूला के अंदर आप जो है ना मछली के तेल के कैप्सूल वगैरह ये वो, इस पर मेरी एक ना प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना रिंग नेक थर्ड ब्रीडिंग फार्मूला तो मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप उसको देख लें। वो रॉ रिंगनेक ग्रे जो भी छोटे से लेके बड़ा बर्ड है ना उनके लिए मैंने दाने के हिसाब से सारा कुछ बनाया हुआ है, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ब्रीडिंग फार्मूला ही आप कह लें कि है। ब्रीडिंग फार्मूला आपने तब यूज़ करवाना है जब आपका पेयर बना हो एंड आपका पेयर मेटिंग पे ना आ रहा हो या फिर हीट पे ना आ रहा हो, मतलब एक आप सिंपली इनको डाइट दे रहे हैं साथ इनको कोई खाना वगैरह कोई भी सीड मिक्स दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये ना सॉफ्ट फूड भी खा रहे हैं लेकिन वो हीट पे नहीं आ रहे, मेट नहीं कर रहे, तो आपने फिर ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस ब्रीडिंग फार्मूला के अंदर मिक्स करके देने के लिए आपने वो यूज़ करवाना है, तो इंशाल्लाह उससे आपका बर्ड जो है ना जल्दी से जल्दी ब्रीड कर देगा। तो आपने एक गलती जो है ना वो नहीं करनी कि आप अगर आपका पेयर बना नहीं है आप उसको ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाते रहे तो ऐसे में आपका बर्ड जो है ना गर्मी का शिकार हो सकता है क्योंकि उनका पेयर ही नहीं बना होगा, वो लड़ लड़ कमले हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर आपका पेयर नहीं बना तो आपने उसको ब्रीडिंग फार्मूला नहीं यूज़ करवाना, ठीक है। तो अब आती है बात कि ये साल में कितनी दफ़ा आपके पास ब्रीड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर लें उसके लिहाज से आप चलें तो आपके पास अच्छी डाइट अगर आप इनको देंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पास साल में ये 2 से 3 ब्रीड कर देगा। मतलब अगर आपके पास कोई फोस्टर पेयर है, मतलब ऐसा पेयर जो कि बच्चे पाल लेता है, आप सिंपली एक ऐसा पेयर रखें साथ एक महंगे वाला कोई रख लें जिनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, अच्छा खासा बिकता है। मिसाल के तौर पे आप एक काठे का पेयर लगाएं, आप साथ कोई और महंगी मोटिशन लगा लें, आप उनसे ब्रीड लेते हैं ना अच्छा टाइम टेबल हर चीज़ जो है ना फॉलो करके, जैसे ही वो एग्स देते हैं ना तो एग्स में से जैसे बच्चे निकल आते हैं तो आप बच्चे उठा के ना या फिर एग्स उठा के ऐसे पेयर के नीचे रखें जो कि अंडे भी मतलब उनमें से बच्चे निकाल लें और बच्चे हों तो उनको पाल लें, इस तरह का आप काम करें तो आपके पास ना ईजिली 2 से 3 दफ़ा ब्रीड आ जाएगी, इवन 4th दफ़ा भी आ जाएगी अगर आप यही चीज़ करेंगे। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी कि जिनको हम फॉलो करके ना अपने ब्रीड से ब्रीड ले सकते हैं। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका पेयर नहीं बना हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर आपका पेयर ही नहीं बना होगा, आपका पेयर लड़ रहा होगा, ठीक है, उनमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई किसी किस्म की मतलब उम्मीद नज़र ही नहीं आती तो आप उनको ये सब चीज़ें यूज़ करवाएंगे ना तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे लड़ाई में ये वो। तो आप पहले अपना पेयर बनाएं, कोई ऐसा पेयर लें जो कि ब्रीडर हो या पहले इसने एक दो दफ़ा ब्रीड की हो, ऐसे बंदे से लें तो वो इंशाल्लाह आपका जैसे ये मैंने अभी जो चीज़ें बताई हैं ना आप इनको फॉलो करके अपने बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो आप वीडियो को लाजमी फुल देखा करें क्योंकि अभी भी मैंने देखा है कि कुछ लोग नीचे कमेंट में आके यही चीज़ पूछ रहे होते हैं जो मैं वीडियो में फुल बता चुका होता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। एंड ना भूलें कि मेरा वो चैनल है RDAYT के नेम से, गेमिंग वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उस पर, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक बहुत सारा ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।